हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इरशाद आप सभी का दिलसा टाइम शुरू में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे वीडियो का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से आप लोग हिंदी ग्रामर लाइक कर रहे हैं, उससे मेरा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और उसका यही कारण है कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए संधि का, जो कि हमारा एक नया चैप्टर है, उस संधि को लेकर के स्वर संधि की वीडियोज़ मैंने डाली थी और वो आप लोगों ने बहुत लाइक किया और कमेंट भी किया, शेयर भी किया। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो चरण है संधि का, वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दोस्तों, अब व्यंजन संधि यहाँ पे देख लेंगे। व्यंजन संधि का एक और नाम है जिसे हम हल संधि के नाम से जानते हैं, और स्वर संधि का भी एक और नाम है जिसे हम अच संधि के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट कभी कभार पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि का एक और नाम क्या है, तो वो है अच संधि, और व्यंजन संधि का नाम हल संधि है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि या हल संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता देते हैं एक का तीन। एक का तीन क्या होता है, उसके लिए हमें यह जानना होता है कि हमारा जो स्पर्श व्यंजन होता है उसमें पहले जो आता है वर्ग का पहला, उसको बोलते हैं का चा टा ता पा। वर्ग का दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं खा छा ठा था पा। तीसरा होता है गा जा डा दा पा, और चौथा होता है पांचवा, चौथा होता है घा झा ढा दा बा, और पांचवा होता है अंगा या अरानामा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ग का पहला काचा टा दा पा, दूसरा खा छा ठा था पा, तीसरा गा झा ढा दा बा, चौथा घा झा ढा दा बा, और पांचवा अंगा या अरानामा। और उसके बाद में अंतस्थ होता है यारा लावा, उसमें होता है शा सा हा। दोस्तों, अगर हमें ये क्लियर होता है तो हमारी व्यंजन संधि 100% क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहला नियम। हमारे सामने है एक का तीन, एक का तीन और एक का पाँच। तो दोस्तों, एक का तीन समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि एक का तीन आखिर है क्या, एक का तीन होगा कैसे, तो ये जान लेते हैं। एक, वर्ग का पहला। एक का मतलब हुआ वर्ग का पहला, का चा टा ता पा, ये आपका वर्ग का पहला है और इसी को हम एक बोलते हैं। और पता है, जब इसका मेल, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस का निशान लगा हुआ है, जब इसका मेल किसी स्वर से हो जाए, कोई भी स्वर, और उसके बाद में किसी हर वर्ग के तीसरे व्यंजन, यानी कि वर्ग का तीसरा व्यंजन, वर्ग का तीसरा क्या होता है ये जान लेंगे, गा जा डा दा बा। गा जा डा दा बा से अगर इसका संपर्क हो जाए, या फिर वर्ग का चौथा व्यंजन जिसे हम बोलते हैं घा झा ढा धा भा, घा झा ढा धा बा से इसका मेल हो जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन यारा लावा से हो जाए। तो एक बार फिर से समझेंगे, काचा टाता पा का मेल जब किसी स्वर से हो, गाजा डादाबा से हो, या घाजा डादाबा से हो, या फिर यारा लावा से हो, तो वहाँ पे काचा टातापा को वर्ग का तीसरा यानी कि गाजा डादाबा में बदल देते हैं। अब देख लेंगे एक बार फिर से, काचा टातापा का मेल जब किसी स्वर से हो जाए, वर्ग का तीसरे वर्ग से हो, चौथे से हो, या फिर अंतस्थ से हो, तो वहाँ पे काचा टातापा को हम गा जा डा दाबा में बदल देते हैं। का को गा, चा को जा, टा को डा, ता को दा, और पा को बा हो जाता है। इस तरीके से होता है। तो ये है हमारा पहला एक का तीन। ध्यान देंगे एक हो गया और एक का ये तीन हो जाता है जब इन चीज़ों से मिलता है। चार चीज़ें हैं जिनसे मिलता है स्वर, वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और अंतस्थ। अब यहाँ पे देख लेते हैं मित्रों उदाहरण। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है दिक् धन गज। अब दिक् धन गज देखेंगे, यहाँ पे का है और का मेल वर्ग के तीसरे वर्ग से हो रहा है यानी कि गज। तो देखेंगे दिक् धन गज हो जाता है दिक् गज। का को हो गया है गा। फिर बताया वाक धन ईश, यहाँ पे ध्यान देंगे तो का मेल स्वर से हो रहा है, तो वाक धन ईश वागीश, यानी कि पहले का मेल किसी स्वर से हो रहा है, यहाँ पे पहला नियम जो हमारा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वागीश। आगे बताया अच धन आदि, ये हो जाता है चा के बाद में स्वर आने की वजह से, चा को हमने तीसरा, चा का तीसरा क्या होता है देख सकते हैं यहाँ से, चा का तीसरा जा होता है, तो आजादी हो गया। फिर सट धन आनंद, टा का तीसरा टा हो जाएगा, सट धन आनंद सट आनंद। फिर हमने लिखा यहाँ पे भगवत धन भजन, ध्यान देंगे भगवत में अंत में टा आ रहा है और उसके बाद में भा, यानी कि वर्ग का चौथा है, जब इसे हम ऐड करेंगे तो भगवत धन भजन क्या हो जाता है, भगवत भजन हो जाएगा, यानी कि ताकोदा हो जाएगा। उसके बाद में है अप धन जा, क्या हो जाएगा अब जो पाक को बा हो जाएगा, चूंकि इसका मेल जा से हो रहा है और ये वर्ग का तीसरा है, सुख धन अंत सुबंत। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे का चा टा ता पा और पा, इन सब का मेल जब होता है तो हम काचा टा ता पा को गाजा डा दाबा, गाजा डा दाबा में बदल देते हैं। और इसमें हमें नियम का नाम नहीं बताना होता है कि ये पहला नियम है दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं, केवल आता है जब एग्जाम में। तो जैसे सट धन आनंद, इसमें कौन सी संधि है हम बता देंगे, व्यंजन संधि है बिकॉज ऑफ टा। ये देखेंगे पहले वर्ग के अंत में,
पहला शब्द जो होगा उसके अंत में कोई व्यंजन होगा और वो अर्ध होगा हमेशा, उसके नीचे हलंत लगा होता है तो उस पर व्यंजन संधि होती है। अब आते हैं इसका दूसरा नियम। हमने कहा सबसे पहले एक का तीन, अब आया आपका एक का पाँच। देखेंगे दोस्तों एक का पाँच क्या होता है, बताए एक। एक अभी आप लोगों ने जाना का चा टा ता पा, ये आपका एक है। का चा टा ता पा ये आपका वर्ग का पहला होता है, इसी को हम एक बोलेंगे। और इसका पाँच कब होगा, बताया जब इसका मेल ना या मा से हो जाए। का चा टा ता पा का मेल जब ना या मा से होगा तो का पंचम यानी कि हर वर्ग का पंचम हम कर देंगे, का पंचम हो जाएगा अंगा, चा का पंचम या टा का अरा, ता का ना और पा का मा हो जाएगा। तो इस तरीके से काचा चाता पा का पांचवा यानी कि अंग या अरानामा हो जाएगा। एक का तीन पहले हो गया, अब एक का पांच देख रहे हैं, अंग या अरानामा। उदाहरण देख लेते हैं, बताया वाक धन में का मेल मा से हो रहा है तो का पंचम होता है अंगा, तो यहाँ पे हमने लिखा वांग में, क्या हो गया यहाँ पे वांग में हो गया। और उसके बाद में फिर तत् धन में तन में जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाता है। और इसके बाद में आता है हमारा अगला नियम व्यंजन संधि में, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे तीसरा नियम, स्वर का मेल जब किसी छा से होता है, पहले स्वर आए बाद में छा आए तो छा में आधा छा स्वतः ही जुड़ जाता है, और ये भी एक नियम है व्यंजन संधि का, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, देख लेंगे। उदाहरण बताया अनुधन छेद, यहाँ पे आपका अनु में पहले स्वर है उसके बाद में छा, इस तरीके से अनुच्छेद हो जाता है। इसी तरीके से अगला उदाहरण हमारे पास में परिधन छेद, अब परिधन छेद करेंगे तो यहाँ पे रा में ई आ रहा है यानी कि परि में पहले ई है उसके बाद में छेद है तो परिच्छेद हो जाता है। विधन छेद विच्छेद, स्वाधन छंद स्वच्छंद, तो अनुधन छेद अनुच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, स्वाधन छंद स्वच्छंद। तो मित्रों जब स्वर का मेल छा से होगा तो वहां पे हम छा में आधा चा जोड़ देंगे। अगला नियम हमारे सामने है रीरा सा, जब रीरा सा का मेल किसी ना से होता है, रीरा सा का मेल जब ना से होगा तो ना को हम अरा में बदल देंगे। ध्यान देंगे इसमें रीरा सा शब्द में कहीं भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रीरा सा बिल्कुल अंत में ही आए। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे उदाहरण दिया हुआ रीरा सा प्लस ना, ना को बदल देंगे अरा में। ध्यान देंगे शब्द में सबसे पहले है परी, परिधन नाम जब करते हैं तो यहाँ पे ना है, ना को हो जाएगा अरा और इसे हम बोलेंगे परिराम, परिधन नाम परिराम, रामधन अयन रामायण। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रा पहले आ रहा है ना लास्ट में आ रहा है, तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना, ये देखना है कि पहले शब्द में रीरा सा में से कुछ है या नहीं, अगर होता है तो हम बाद वाले शब्द में अगर ना जो आया हुआ है इसी को हम किसमें बदल देते हैं आरा में बदल देते हैं, तो रामधनायन रामायण, प्राधन मान और ये हो जाता है प्रमाण। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है। अगला नियम देख लेते हैं सा का नियम, इसे हम बोलते हैं जब सा के पहले कोई स्वर आए यानी कि ई उ आए, स्वर आ को छोड़कर बोलते हैं तो आ को छोड़कर के ई उ ही आता है, तो सा के पहले जब कोई स्वर होता है तो सा को हम बदल देते हैं सा में, इसमें सा में, इसको हम सत्कोर वाला सा भी बोलते हैं, सा में बदल देंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ सुधन समा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे बदल कौन सा रहा है, ये सा, इसको हमें बदलना है, तो सुधन समा सुषमा और विधन साध, यहाँ पे देखेंगे सा, सा को हमें सा में बदलना है तो हो गया विसाध, और उसके बाद में विधन सम विषम। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आपको इसका और भी नियम है, दो नियम बच रहे हैं जिसमें है ता संबंधी नियम और मा संबंधी नियम, वो दोनों नियम यथाशीघ्र आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।